तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी रेसिपी बीटरूट रसम। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बीटरूट ले लिया है और अब हम इसे हाफ कट कर लेंगे और हम हाफ बीटरूट को ही रसम बनाएंगे और अब हम इसे छील लेंगे। तो मैंने इसे छील लिया है और अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे रफली चॉप भी कर सकते हैं, बट ग्रेट करने से ये जल्दी पक जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे ग्रेट कर लिया है और इसमें मैं 1 कप पानी डाल दूंगी और अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए बॉईल कर देंगे। ग्रेट करने की वजह से ये जल्दी ही पक जाएगा। और अब 5 मिनट्स हो चुके हैं, ये जो बॉईल हो चुका है अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और तब तक यहाँ पे मैंने एक लेमन साइज इमली ले लिया है और हम इसे गर्म पानी डाल के इसे अच्छे से भिगो लेंगे, फिर इसका पल्प निकाल लेंगे। और अब यहाँ पे बीटरूट भी ठंडा हो चुका है और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अब मैंने पैन पे 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है और अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून सरसों डाल देंगे और 1/2 टेबलस्पून जीरा। और मैंने यहाँ पे 3 लहसुन ले लिया है जिसे बारीक कट कर लिया है, हम इसे भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ले लिया है जिसे स्लिट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक डाली जो है करी लीव्स ले लिया है, हम इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए। और अब ये फ्राई हो चुका है, हम इसमें इमली का जो पल्प हमने निकाल के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे और ग्राइंड किया हुआ बीटरूट भी इसमें डाल देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी करके बीटरूट को और डाल रही हूँ और अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। और 1 टेबलस्पून मैं नमक डाल रही हूँ, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और 1/2 लेमन के साइज़ का मैंने यहाँ पे गुड़ ले लिया है, उसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट्स के लिए इसे उबलने देंगे। और अब 5 मिनट्स हो चुके, उबल चुके हैं, हम इसमें धनिया डाल देंगे और इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारा बीटरूट रसम बिल्कुल तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।